इंजन के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है और पूरी गाड़ी ढटर 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 कर रही है और अंदर बैठा हूँ सीटों पे इतना ज्यादा फील हो रहा है यहाँ ढटर 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 बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन होता कहाँ से? ये देख रहे ना कैसे ढटर 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 ढटर, ये वाइब्रेशन होता कहाँ से? ये वाइब्रेशन होता है इंजन के माउंटिंग पे। इंजन की जो माउंटिंग होती है ये वाली, ये देखो नीचे वाली, इधर दिखाओ, इंजन की माउंटिंग जो होती है ना, ये कट रही है, ये बैटरी वाला माउंटिंग कट रही है, इसके नीचे जो माउंटिंग है एक वो वाला माउंटिंग चेक करना पड़ेगा पीछे वाला। इंजन देखो साइलेंट है, सारा वाइब्रेशन इसी से है। ये तो होती है ये माउंटिंग ऊपर वाली, ठीक है जी, और नीचे वाली होती है बी माउंटिंग ये वाली, और एक और माउंटिंग है जो नीचे है सी माउंटिंग गियर के पास में। ये पूरी तरीके से देख सकते हैं माउंटिंग टूटा हुआ, ठीक है जी, और ये माउंटिंग भी पूरी तरीके से बैठी पड़ी है। ये देख रहे ना कितना ये बैठ गया है माउंटिंग, यहाँ देखो ये पूरी बैठ गई है, इसका वो खत्म हो गया जो होता है ना जंपिंग का, एब्जॉर्ब करने का, वो सब खत्म हो गया ये। तो ये भी माउंटिंग खराब है। अब चूंकि ए माउंटिंग रह गया, ये है बी ये है सी, लेकिन ए माउंटिंग जो मेन है ये भी बैठा हुआ है पूरा बुरी तरीके से। अब तीनों माउंटिंग हम खोलेंगे तो इंजन गिर जाएगा नीचे, इसलिए अभी दो ही माउंटिंग खोल के पहले इस दो को बदलेंगे तब होगा, तीसरा खोलेंगे। ये वाइब्रेशन आती कहाँ से? ये देखो ये टूट गया, इंजन का जो भी वाइब्रेशन होता है वो इस बोल्ट में रहता है और ये बोल्ट कनेक्ट नहीं है किसी से, ठीक है जी, ये बोल्ट और ये बॉडी से कनेक्ट है, ये देख रहे हैं फ्रेम बॉडी से कनेक्ट है, और ये जो बोल्ट है बीच वाला ये इंजन से कनेक्ट है, यानी इंजन का वाइब्रेशन इसी बोल्ट पे रहेगा बस और बॉडी में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बीच में होती है रबड़ है। अब ये रबड़ टूट जाए कट जाए फिट जाए जो भी हो जाए तो क्या होगा, जो इंजन का वाइब्रेशन इस रबड़ इसमें आ रहा है इस बोल्ट में, वो वाइब्रेशन इस माउंटिंग में चला जाएगा, और माउंटिंग कहाँ कसा हुआ है? बॉडी में, तो बॉडी के अंदर पूरा वाइब्रेट होगा, ये पूरा ऐसे वाइब्रेशन पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये माउंटिंग का ही इशू होता है जो पूरा गाड़ी वाइब्रेट करती है धड़ 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 धड़। तो इस हम माउंटिंग को बदलने वाले हैं, ये जो इंजन माउंटिंग था सब जेन्युइन लेके आया मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स, यानी मारुति सुजुकी कंपनी की जेन्युइन पार्ट्स है, तो हमने सारा जेन्युइन पार्ट्स लेके आए हैं। ये देख सकते हैं माउंटिंग बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, 800-900 रुपए का हर एक माउंटिंग है। तो ये माउंटिंग वाइब्रेशन को क्या करेगा, खत्म करेगा, जो कि इसका टूट गया था, ये देख सकते ये टूटा हुआ था ना, तो हम क्या किए ये नया डाल देते हैं। अब गाड़ी के अंदर ये देखो बिल्कुल सेट है मामला, अब मजा आ जाएगा। तो ये माउंटिंग है, उसके पास एक माउंटिंग देखे थे, ये देखिए यहाँ गैप, यहाँ देख सकते हैं ना ये बैठ गया पूरा, और ये कितना गैप है नए में। तो ये माउंटिंग वाइब्रेट करेगा, पूरा लोड क्या होगा बॉडी पे आएगा, तो ये माउंटिंग क्या करेगा वाइब्रेट करेगा। अब नया डाल देंगे वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा बिल्कुल झकास। दो माउंटिंग हो गई, तीसरा माउंटिंग है सी माउंटिंग, ये देखिए ये भी उसमें ये भी टूट गया है, खराब हो गया, तभी मैंने खोला नहीं है, उसको खोलूंगा, ठीक है। तो ये माउंटिंग भी हम नया डाल देते हैं, और तीनों ही माउंटिंग हम लेके आए किसका, मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स। ये देखिए तीन माउंटिंग दिखाओ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है जी, एक दो तीन माउंटिंग, और ये तीनों माउंटिंग यदि डाल दिए गाड़ी के अंदर तो आ जाएगा मजा आ जाएगा गाड़ी के अंदर, कोई भी वाइब्रेशन नहीं करेगा। और दिक्कत क्या कि शाम हो गया, अब घर चल रहा है तो कपड़े बदल लिए, पहले ठीक है सुबह आए थे, अभी शाम हो गया अब फिट करेंगे इसे। तो ये माउंटिंग है अभी पूरी तरीके से देख रहे हैं ना, ऊपर वाला ही फटा पड़ा है, तो ये वाइब्रेशन डालेगा, तो हमने न्यू डाल दी ये माउंटिंग भी, देख रहे हैं ना इधर से न्यू डाल दी हमने बी माउंटिंग भी, ठीक है जी, और न्यू डाल दी हमने सी माउंटिंग भी, नीचे है सी माउंटिंग, तो हमने न्यू डाल दी ये सब। स्टार्ट, इंजन जैसे था वैसे ही है, लेकिन वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर, हटो देख रहे हैं ना बिल्कुल जीरो जीरो, बैठ के देखते हैं। रवि इसको पकड़ो,
शीशे के बाहर कर लो चाहे तो। पहले धर 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 ऐसे कांपती थी गाड़ी, अब अंदर बैठ के सुकून है यार कि अब वाइब्रेशन नहीं है, तो कभी भी वाइब्रेशन का काम हो। हालांकि इसका हेड किए वो अलग मैटर था, पिकअप नहीं आ रहा था उस गाड़ी का, वो अलग मैटर, ठीक है, वाल उल डाले इसका, लेकिन वाइब्रेशन खासकर जो होती है वो इंजन के माउंटिंगों से होती है। अभी स्टेयरिंग स्टेयरिंग बिल्कुल साइलेंट हो गया है, ये गियर लीवर बिल्कुल सेट हो गया, एंड वह गियर लीवर में तो महसूस ही नहीं हो रहा है कि वाइब्रेशन होता भी है कि नहीं। तो कभी भी वाइब्रेशन का होता है इंजन देख लेना, मिसफायर नहीं करना चाहिए, बस इंजन मिसफायर नहीं करा तो आपका इंजन माउंटिंग का स्टार्टिंग तो खैर ऑलरेडी बेहतरीन था, लेकिन दर 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 जो कांपती थी ना वो नहीं कांप रही है, बिल्कुल सेट हो गया। ऐसा सीट पे बैठ के महसूस होता था यार, नहीं यार गड़बड़ है, अब सही है, बिल्कुल सेट, नहीं तो सीटें भी दर 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 कैसे करते। तो बन गई गाड़ी, और कभी भी वाइब्रेशन का इशू हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा मैंने देखी है मारुति की गाड़ी जो है ना, वाइब्रेशन का मतलब है कि इंजन माउंटिंग उसका बहुत ज़्यादा ख़राब होता रहता है, तो वाइब्रेशन में इंजन माउंटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इंजन मिसिंग और इंजन माउंटिंग दो जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, ठीक है, ओके, थैंक यू।